Establishing a school culture for effective management। हमने स्कूल कल्चर के बारे में पहले भी बात की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्कूल कल्चर जो है वो किसी भी स्कूल प्रोसीडिंग्स का एक बहुत अहम हिस्सा होता है सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि स्कूल कल्चर होता क्या है स्कूल कल्चर जो है ये एक अनस्टेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि स्कूल की तरफ से दी जाती हैं

स्कूल कल्चर जो है उसमें कैसे एग्जिस्ट करना है ये आपको तहरीरी शक्ल में नहीं बताया जाता लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन है जो आप पर लागू है जब आप चार दीवारी के अंदर आ जाते हैं स्कूल कल्चर जो है ये एक बहुत अहम हिस्सा है करिकुलम का स्कूल कल्चर को आम तौर पर बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं किया जाता बट इन ऑर्डर टू हैव अ डिसिप्लिन स्कूल

how to show respect to the students not only that how to show respect to the other stakeholders including the teachers so all the proceedings that happen within the four walls of the school are according to a particular school culture jo school culture hai it is the stream of values and norms and standards and customs that are upheld and taken up by a particular school ye wo traditions hain जो कि सालों से चले आ रहे होते हैं एंड द स्कूल टेक्स प्राइड इन दोज ट्रडिशन्स समाइम्स हम ये कहते हैं कि फलां जो स्कूल है उसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वो स्कूल है वहां पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहां के बिहेवियर पैटर्न बहुत अच्छे हैं या वहां बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है ऑल दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्कूल कल्चर क्योंकि वहां पर किसी तहरीरी शक्ल में यह नहीं कहा जाता कि यहां पर जो तलब इल्म है उसकी लिखाई का अच्छा होना बहुत जरूरी है उसका जो है वो ऑटोमेटिकली उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाता है एक्शन होता है सो दैट इज वॉट कल्चर इज जो स्कूल कल्चर है दे आर द रिचुअल देर आर सम स्कूल विच आर हंड्रेड ईयर्स ओल्ड मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड एंड दे आर कीपिंग अप सर्टन वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस एंड ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज आर हाईली

एक स्कूल कल्चर को लेकर आए बिकॉज अ स्कूल कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन अ स्कूल कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन बिहेवियर पैटर्न ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स ये हमें बताता है दैट वॉट इज इंपॉर्टेंट एंड वॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्या सिर्फ पॉगनेटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या बिहेवियरियल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है इसका तयन जो है वो स्टेक होल्डर्स करते हैं एंड टूगेदर दे मेक अ स्कूल कल्चर So basically, a school culture is communicated through the hidden curriculum. And it must be communicated, and there are certain values that must be kept and must be transferred from one class to the other. It is very important for students to know the expected behaviors that they must manifest in classrooms, in playgrounds, out of school. So that they are regarded as students of a particular school, and that is determined by a school culture.